हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 20x40 फीट का हाउस प्लान। 20x40 मतलब करीबन 800 स्क्वायर फीट का यह हाउस प्लान है। तो 800 स्क्वायर फीट में किस तरह से अच्छा प्लानिंग हो सकता है, आज की वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों ये है 20x40 का हाउस प्लान। दोस्तों ये 1 BHK है, मतलब इसके अंदर एक हॉल है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, स्टोर रूम है, किचन है, मतलब सारी डिटेल दोस्तों इसके अंदर आ गई है। तो उसको दोस्तों इसके अंदर कैसे प्लानिंग हुआ है, क्या डायमेंशन है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम वॉल को कलर कर देंगे, जिससे हमारे जो वॉल है वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी वॉल है अब हाईलाइट हो गए। तो 1x1 मैं आपको डायमेंशन बताता जाता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों करीबन 4 फीट और 7 इंच चौड़ी यहाँ पे क्या है, हमारा वरांडा है। ठीक है, ये वरांडा है, ठीक है, ये हमारा वरांडा है, 4 फीट 7 इंच के करीब वरांडा है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे, ये हमारा मेन गेट रहेगा, ठीक है, मेन डोर रहेगा, यहाँ से अंदर आएंगे तो यहाँ से आपको पहले मिलेगा एक, यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, ड्राइंग रूम गेस्ट रूम के लिए। ठीक है, ये ड्राइंग रूम रहेगा, ड्राइंग रूम की साइज करीबन रहेगी 11 फीट 9 इंच बाय करीबन 10 फीट 10 इंच के करीब। ओके, उसके बाद यहाँ से एंटर करेंगे तो ये हमारा लिविंग प्लस डाइनिंग रूम रहेगा। ठीक है, लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया या रूम आप जो भी बोल सकते हैं। तो ये भी करीबन कहो तो 11 फीट 9 इंच बाय 12 फीट का ये रहेगा। ठीक है, 12 फीट का ये रहेगा। उसी के बगल में से आप यहाँ से नीचे से जाओगे कि ये ऊपर चढ़ेगा तो इसके नीचे जगह रहेगी, तो यहाँ पे हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा। ठीक है, सी टॉयलेट, टॉयलेट बाहर की तरफ रहेगा। तो ये करीबन दोस्तों 6 फीट बाय 4 फीट 3 इंच के करीब ये रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टोर रूम रहेगा, स्टोर रूम का जो डायमेंशन है 4 फीट बाय 4 फीट का यहाँ पे स्टोर रूम हमारा रहेगा। ये हमारा ऑब्वियसली किचन रहेगा, किचन की जो साइज है वो करीबन 8 फीट 1 इंच बाय 7 फीट 8 इंच, मतलब अच्छी साइज है। देन यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, बेडरूम रहेगा, बेडरूम एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। बेडरूम की साइज दोस्तों देखिए 10 फीट बाय 12 फीट और 1 इंच रहेगी। और यहाँ पे हमारा कॉमन बार WC टॉयलेट, यहाँ पे एक टॉयलेट आएगा और यहाँ पे बार WC कंबाइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाथरूम, बड़ा सा बाथरूम, ये डक्ट है। ठीक है, इसको डक्ट बोला जाता है क्योंकि बीच अगर आजू बाजू में जगह नहीं है तो यहाँ पे डक्ट में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन है करीबन 6 फीट 4 इंच बाय 6 फीट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमारा प्लान है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये हमारा वरांडा, यहाँ पे ड्राइंग रूम रहेगा, ड्राइंग रूम के बाद डाइनिंग प्लस लिविंग प्लस डाइनिंग रूम रहेगा,
देन यहाँ पे हमारा वेमन डब्ल्यू बार डब्ल्यू सी टॉयलेट, यहाँ से हम नीचे जाएंगे कि यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो ये जगह रहेगी खाली रहेगी, तो यहाँ से हम कॉमन टॉयलेट में एसेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोर रूम रहेगा, ये किचन और ये बेडरूम। दोस्तों 20x40 में ये बहुत अच्छा प्लान है अगर आप एक फैमिली के लिए प्लान बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो मेरा अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिवी कॉन्सेप्ट।